लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये रहा बैंक, सामने वाली सड़क पर, यहाँ मैनहोल है, जहाँ हमारी वैन आकर रुकेगी, समझा? और ये वैन रुकी पर आप लोग क्यों रुके? घुसो ना मैनहोल में। अबे ध्यान से सुनो, इतवार का दिन होगा, बैंक बंद रहेगा, इसलिए बैंक का सारा रुपया तहखाने में रहेगा। रहेगा। हम दोनों इस मैनहोल के जरिए तहखाने की दीवार तक पहुंचेंगे। 11:30 पर डायनामाइट से उस दीवार को उड़ाएंगे। धमाके की आवाज कोई सुन ना सके, इसलिए ठीक 11:30 पर तुम जोर से हॉर्न बजाना। 11:30 ठीक बजा दूंगा। 15 बाद दूसरा धमाका होगा, जब हम लोग वॉल्ट तोड़ेंगे। क्या समझा? दूसरा धमाका कब होगा? जब तुम लोग वॉल्ट तोड़ोगे। उल्लू के पट्टे, 11:45 पे। उस वक्त तू हॉर्न बजाना, 11:45 पे। Thank you.
सेठ जी देखिए तो ये अंगूठी असली है या नकली। ये तो असली रूबी है जी। आपने इसको नकली कैसे समझा? आप अपने माल को खुद नहीं जानते? नहीं। खैरिये, हमने इस रूबी का अखा सेट सेठ धर्मदास की पत्नी को बेचा है। हम उनको टेलीफोन करके खातिरी करता है। हेलो सेठ धर्मदास जी, देखिए मैं धीरू भाई बोल रहा हूँ। कुछ दिन हुए मैंने एक रूबी का सेट आपकी पत्नी को बेचा था। क्या कहा? वो चोरी हो गया? रतिलाल चोर, चोर रतिलाल बोलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जी का एक्सीडेंट, बहुत बुरी हालत है। कैसे? उनके पास चोरी का माल था, एक अंगूठी थी जो पहचाने गई। वो जान बचाने के लिए जो भागे तो गाड़ी के नीचे सर्वोदय अस्पताल में है। बेचारी सरल, तू इसी टैक्सी में लपक जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। जा जल्दी। वो अंगूठी चोरी की थी मेरी बेटी अनाथ बनेगी तुम्हारे कारण। किशन, मैं सब संभाल लूंगा। तू सरल को लेकर घर जा, अपने नहीं रोजी के, समझा? जल्दी आओ बेटी। हाँ रोजी, जब करो सर, जब करो रोजी। मुझे अंतिम संस्कार वगैरह घर में और कोई भी नहीं जो इन्हें संभाल सके। फिक्र मत करो किशन, मैं इन्हें संभालूंगी। कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने दो। कौन हो तुम? जी जी जी, मैं मास्टर जी का किरायेदार हूँ, ऊपर रहता हूँ। हमारे पास सर्च वारंट है, चाबी यहाँ लाओ। तलाशी लो सब। बहुत अच्छा काम किया। सब एक ही सेट के। तिजोरी में ये जेवरात कैसे? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह जवाब दो, तुम तिजोरी से ये चोरी का माल निकालने के लिए यहाँ आए थे ना? गुर्राव नहीं इंस्पेक्टर, ना इस लड़के का कसूर है, ना मास्टर जी की लड़की का, और ना मास्टर जी का। क्या कहते हो? कौन हो तुम? नाम जगत राम, काम चोरी डाका, मगर चोला परमात्मा का।
मैं मास्टर जी के स्कूल में जाया करता था, बच्चों को किताबें वगैरह बांटता था। वो बेचारे समझे कि मैं कोई बड़ा धर्मात्मा हूं। जब मैंने उन्हें ये माल दिया तो उन्होंने बगैर देखे हुए तिजोरी में रख लिया। सच मानिए, ये माल मेरा है, मैंने ही चुराया है। तुम बचे रह सकते थे, खुद को कानून के हवाले करने क्यों चले आए? इंस्पेक्टर साहब, मर्द बच्चा हूं, मास्टर जी की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उनके नाम पर धब्बा लगे या उनकी बेटी पर आंच आए। सच मानिए, ये माल मेरा है, मैंने ही चुराया है। तुम सच कहते हो, हमें इसका कैसे यकीन आ सकता है? अरे, आपके तो अच्छों को भी यकीन आएगा। वो डाके वाली रात ढोल धमाके में वो बंगले का जो गोरखा था ना, उससे हमारी आंखें चार हुई थी। वो पहचानता है हमें, उसे बुलवाकर पूछ लीजिए। ठीक, हथकड़ी लगाओ इसे। सबर सबर भाइयों, मैं खुद आया हूँ, इसलिए भागूंगा नहीं। लेकिन दादा। अरे दुखी मत हो यार, मेरी असलियत जानकर मास्टर जी का भी दुख फूट जा। हम बूढ़ों के लिए क्या रोना, तू ठहरा जवान, जिंदगी तेरे लिए है, तुझे सरल को खुश रखना है। उस बेचारी का तेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। वो सब तो ठीक है दादा, पर अरे पर फुर फुर क्या उल्लू की तरह लगा रखी है? अरे मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मैं सचमुच चोर हूं। मगर एक बात याद रखना, सरल को चोरों से सख्त नफरत है, उस पर ये असलियत जाहिर ना हो, समझे ना, उसे सुखी रखना। और ऐसा आदमी एक दिन बनकर दिखाना उसे कि वो तुझ पर नाच जाए। हाँ दादा, मैं ऐसा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। वादा? हाँ वादा। अबे ओ ढीलो, चुस्ती दिखाओ, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां। अबे जेल में क्या, अब तो तुम नरक में ले जाओ कि तुम्हें जाने के लिए तैयार हो।